थाना मलहीपुर के हरबंशपुर गांव के पूर्व प्रधान पर गांव के एक युवक हनुमान प्रसाद ने आरोप लगाया है कि वह उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों में आपसी रंजिश है, जिसके चलते पूर्व प्रधान ने पहले तो उसके घर पर दो फायर किए और साथ ही कहा कि अगर वह थाने में गया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। फिरोजाबाद में रामलला के मंचन में राम बारात के दृश्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बृहस्पतिवार को अपने भाइयों के साथ बारात लेकर निकले तो जयकारों से आकाश गूंज उठा। बारात ऐसी निकली है कि सारे मंगल शगुन होने लगे हैं। मंगलमय कल्याणमय और मनवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। श्री राम के दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। जनता में अपार उत्साह था, मानो समूचा शहर भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम के दर्शनों को टूट पड़ा हो। उत्तर भारत की प्रसिद्ध रामलीला है, जो उत्तर प्रदेश में बनारस के बाद यहाँ राम बारात बहुत अच्छी निकलती है और रामलीला का मंचन बहुत अच्छा होता है। यहाँ 55 डोले निकल के जा रहे हैं, जिसमें तरह तरह के लोग धार्मिक प्रदर्शन अपनी अपनी प्रतिभाओं के रूप में दिखा रहे हैं और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष ये अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी लोग निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ रामलीला महोत्सव एक समिति है, हम सब लोग मिलकर के ये रामलीला का मंचन और राम बारात निकलवाते हैं। इसी कड़ी में कहना चाहूँगा, धर्म की और अधर्म की जीत यहाँ मालूम पड़ती है, सत्य और असत्य की विजय मालूम पड़ती है। ये यहाँ राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होकर आगे शास्त्री मार्केट होते हुए, गंज मोहल्ला होते हुए, कोटला रोड पर होते हुए सीधे रामलीला मैदान में पहुँचेगी, जहाँ आगे कार्यक्रम शुरू होगा। और सभी जनता से, फिरोजाबाद के वासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, सभी लोग परिवार के सहित रामलीला को देखने आ रहे हैं। राम बारात को तो आज देख ही रहे हैं। रामलीला में जो मंचर खत्म हो जाएगा उसके बाद रात के अच्छे प्रोग्राम होते हैं, जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं और प्रत्येक वर्ष अच्छे से अच्छे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जिससे बच्चों में भारतीय संस्कृति पैदा हो और शिष्टाचार पैदा हो, भारतीय संस्कृति हमारी जिंदा बनी रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी में समय ले। हमारे पूर्वज, हमारे महान पुरुष, हमारे भगवान किस तरह से क्या क्या काम लीलाएँ करते थे, वो सब यहाँ देखने को मिलेंगे। पुलिस प्रशासन ने पूरी अच्छी व्यवस्था की है, सभी प्रशासन के, सभी पुलिस के अधिकारियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है और सभी जनता के लोग सभी सहयोग कर रहे हैं, सभी समाज के, सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध राम बारात निर्भया नगर स्थित जनकपुरी पहुंची। रात्रि करीब 9 बजे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न व उनके परिजनों के स्वरूप जनक मंच पर विराजमान हुए। वहीं राम सीता जी के दर्शनों को पाने के लिए हजारों की संख्या में शहरवासियों का जनसैलाब जनकपुर में उमड़ पड़ा। भव्य, अलौकिक, दिव्य, अकल्पनीय उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ जनकपुरी आयोजन महोत्सव समिति का आभार कि उन्होंने निर्भय नगर में एक बहुत ही अच्छी जनकपुरी, थोड़े समय के लिए आंख बंद करते हैं, भूल जाएं, आग रखें तो हमें लगेगा हम मिथिला में ही हैं, ऐसा ही कुछ भव्य महल रहा होगा महाराज जनक का। और फिर राम जी की बारात आई है कौशल्या के, अयोध्या के राजा के, तो एक राजा को दूसरे राजा के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कल राम बारात आई है तो राम के अनुरूप ही यहाँ पर जनकपुरी होनी चाहिए। मैं आयोजन समिति का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ऐसा करके उन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण, उपनिषद ऋचाएँ, भारत की सांस्कृतिक धरोहर, साहित्यिक हमारी जो मान्यताएँ और धार्मिक धरोहर को अक्षुण बनाने का काम किया है। राम, गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू, जेम्स हेडली चेज या सर आर्थर कॉनन डॉयल के पात्र नहीं हैं। राम और धर्म शक, सुबह, शंका और शोध का विषय नहीं है। तात्कालीन किसी भी कवि और लेखक ने कभी इस बात पे मतैक्य नहीं है, मतभेद नहीं है कि राम की माँ का नाम कौशल्या नहीं था और कुछ था, लक्ष्मण की माँ का नाम सुमित्रा नहीं था और कुछ था, या भरत की माँ का नाम कैकेयी नहीं था और कुछ था, या राम के पत्नी का नाम सीता नहीं था, या बच्चे लव कुश नहीं थे, इवन रावण के पुत्र का नाम
मेघनाथ नेता या भाई कुंभल नेता या बालियो सुग्रीव भाई नेता तब भी कोई आलोचना नहीं हुई। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम, विश्व में ऐसा कोई दूसरा व्यक्तित्व तो नहीं है जिसने जन्म से मृत्यु तक कोड ऑफ कंडक्ट का जीवन जिया हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लोकतंत्र इतना स्थापित कि समाज का अंतिम व्यक्ति अपने राजा और उसके धर्मनिष्ठ पत्नी सीता पर भी टिप्पणी कर सकता है और राम ने उसको माना। कई वर्षों से लगातार जनकपुर के आयोजन को आता है, कुछ दर्शकों की कमी इस बार देखिए बहुत तेजी के साथ, मेरे को अच्छा पॉइंट आपने बता दिया, बहुत तेजी के साथ टेलीविजन के माध्यम से MTV और फैशन TV के माध्यम से पश्चिम सभ्यता, मिक्की माउस, हैरी पॉटर, टॉम एंड जेरी हमारे घर में घुस रहे हैं। आप धन्यवाद दो कि आयोजन समिति ऐसा करके अपने बच्चों को लवकुश, जिनके बच्चे थे जनरल नॉलेज में नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, ये सब पाठ्यक्रम में नहीं है, अगर ये आयोजन ना हो, श्रोता और दर्शक ना आए, मंचन ना हो, तो GK की किताब में पढ़ना पड़ेगा राम के पिता का नाम क्या था। देश ने और समाज ने पोरबंदर में उनके लिए कुछ स्टैचू बनाए, लाल बहादुर शास्त्री सरदार पटेल ने काम किया तो सबसे बड़ी लिबर्टी स्टैचू बनी, मुलायम सिंह जी ने सेफई में बड़ा काम किया, मायावती के अपने गांव में काम हो रहा है, चौधरी साहब के लिए अपने काम हो रहा है और सबकी जहां पर मृत्यु हुई है वहां किसान घाट, विजय घाट, राजघाट बने। तो राम भगवान थे, चौराहे पे नहीं लगेंगे, स्मारक नहीं बनेंगे, ऑडिटोरियम नहीं बनेंगे, स्टेडियम नहीं बनेंगे, मंदिर ही बनेगा। तो मंदिर एक दिन अयोध्या में बनना ही चाहिए और बन के रहेगा। सरकार को कदम उठाना चाहिए मंदिर बनाने के लिए, बहुत नज़दीक हैं माननीय उच्चतम न्यायालय प्रतिदिन सुनवाई करके, और जो मैं अखबारों में बहस देख रहा हूँ वो निश्चित तौर से एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एविडेंसेस मंदिर वालों के पास ज़्यादा है। हम जनक महल के सामने हैं और जनक महल पे आप देख सकते हैं कि बड़ा भव्य दृश्य है, सुंदर दृश्य है और ईश्वर की अनुकंपा ये है कि बारिश भी हल्की हल्की होना चालू हो गई है, फिर भी लोगों को दिखाना चाहूँगा कि भीड़ कम नहीं हो रही है, भीड़ का बढ़ता, और श्री रामचंद्र जी आ चुके हैं और उन्हें रथ से उतार के लाया जा रहा है, मंच की तरफ आया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा उत्तर भारत की ऐतिहासिक सुप्रसिद्ध जनकपुरी, ये हमारे यहाँ हर साल सस्ती है आगरा के अंदर, यहाँ लाखों के लोग में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और ये 2 से 3 दिन का भव्य कार्यक्रम रहता है। मैं विकास कुलशेष आगरा से। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के पनी अमरजई मोहल्ला निवासी मोहित कुमार श्रीवास्तव के मकान का ताला तोड़कर चोर 10,000 रुपए नकदी सहित 12 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। हमारे देवर का एक्सीडेंट हो गया था तो 15 तारीख को, तो उनको यहाँ से डॉक्टर ने रिफर कर दिया था लखनऊ के लिए, उनका पैर में ऑपरेशन हुआ जो रॉड पड़ी, तो मेरे यहाँ ही थे और 10 दिन से घर बंद था, इसीलिए फिर क्या हुआ कल रात में जो है हुआ है, मोहल्ले में सभी लोगों ने देखा तो कि दरवाज़ा खुला हुआ है, ताला टूटा है, जब उन्होंने पहले दरवाज़ा देखा तो खुला हुआ है तो आ कर के देखा तो सोचे शायद आ गए हैं जी, लेकिन देखा ताला पड़ा हुआ टूटा पड़ा था, फिर उन लोगों ने फ़ोन किया हम लोगों को जी, तो हम लोग वहाँ से चल दिए, ये लोग यहाँ सब पूरा देखे गए, तो पुलिस को बुलाए थे जी। तो कितने की चोरी हुई है आपके यहाँ? लगभग 10-12 लाख तो हो रहा ही होगा। तो सब कैश थे या जेवर वगैरह? नहीं जेवर ही थे, और 10,000 कैश था, 10,000 कैश, बाकी सब जेवर थे। क्या नाम है आपका? मनीषा श्रीवास्तव। सदर कोतवाली क्षेत्र के मजी मोहल्ले में एक चोरी घटना संज्ञान में, क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली क्षेत्र में अमरजई मोहल्ले में एक घर में चोरी की बात प्रकाश में आई है, ज्ञात हुआ है कि गृह स्वामी कई दिनों से घर के बाहर थे और उन्होंने वापसी में आकर के देखा कि उनके घर में चोरी हुई है, प्रकरण की जानकारी कोतवाली पुलिस को है और उनके द्वारा इसमें आगे की कार्रवाई कराई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाड़ौती चिकित्सालय में गंभीर बीमारियों की जांच के लिए पहली बार ऐसी मशीन लगाई गई है जो गंभीर बीमारियों के संबंध में पता लगा सकेगी।
अस्पताल के लैब में लगाई गई इस सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन से कई प्रकार की बीमारियों की जांच हो सकेगी।